तो परमात्मा पाने के लिए तो महापुरुषों ने अपने शरीर को सुखा दिया तपस्या कर करके, और हृदय में जिनके चोट लगी तो कैसे लगी, लागी का मार्ग ओर है लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग ओर है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग ओर है लगे चोट कले जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग कहते हैं जब आपके लगन लगेगी मालिक की, कलेजे में कसक हो जाएगी, एक न्यारी कसक उठेगी। परमात्मा कहते हैं जब आपका या लगन लगेगी भगवान की, कहते हैं कबीर वैद बुलाया और पकड़ के देखी बा, और वैद न वेदन जान ही मेरा कर कलेजे बा। घरवाला ने सोचा कि तो बहुत बीमार उसा हो गया, उदास सा रहता है, कोई भयंकर रोग हो गया इसके। वैद बुलाया, नाड़ी पकड़ के देखी, वैद्य ने बोला नाड़ी ठीक है, अस्वस्थ नहीं है ये, पर फिर भी यू कैसे ऐसे खोया खोया क्यों रहता है। परमात्मा कहते हैं कबीर वैद्य बुलाइया, पकड़ के देखी बाँ, और वैद्य ना वेदन जान ही मेरा करक कलेजे माँ। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताने निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा तान निशाना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई मुआ मर्ग जवा दियो नत तार धरो न बाणा, कोई मुआ मर्ग जवा दियो नत तार धरो न बाणा, वो जिंदा कर दिया डोर था शिष बनिया परीक्षा करके, शिष बनिया परीक्षा करके, शिष बनिया परीक्षा करके, लागी का मार्ग ओर है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गुरु महल जनाने भेजता डोडी पे अलख जगाना, गुरु महल जनाने भेज तेरे जो डोडी पे अलख जगाना, व्यंजन छत्तीसों छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन छत्तीसों छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, तन पड़ गया कम जोर था ना खाया उधर भर के, ना खाया रे उधर भर के, ना खाया उधर भर के, लागी का मार्ग ओर है लग चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे लगे चोट काल जा करके, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहे ये मुआ,
बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ। रही उठन वाली चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ। कुछ नक्स के बिगड़िया है नहीं बाजी दा अचरज हुआ। कुछ नक्स के बिगड़िया है नहीं बाजी दा अचरज हुआ। जिन करया अचंबा गोर है तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के। लागी का मार्ग और है लागे चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठालिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। सोर मचारण वास में ना देख्या पीछा फिर के, ना देख्या पीछा फिर के, ना देख्या रे पीछा। लागी का मार्ग और है लागे चोट काल जा करके। लागी का कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाड़ा पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाड़ों पर का मासा। मेरे दोने नामत छेड़ नर मोहे राम मिलन की आसा। मेरे दोने नामत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आसा। जिन करी तपस्या गोर थी वो हुए आसरे हर के, वो हुए आसरे हर के, वो और के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डिठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डिठाई। वो नर पाला जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। वो नर पाला जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेती और तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यू झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। पुणात्माओं परमात्मा के पाने के लिए इन महापुरुषों ने राज त्याग दिए और कैसी कठिन तपस्याएं की। जैसे शेख फरीद जी परमात्मा की ट्राई के लिए घर त्याग दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जैसा भी कोई गुरु मिला उसके आधार से साधना सिर धड़की बाजी लाकर शुरू कर दी। गुरु जी तपस्वी था
उसने तप की माध्यम बता दिया और शिष्य ने गुरु की बात पर अटल रहना पड़ता है, लेकिन वो नकली गुरु थे लेकिन चेले असली थे। उन चेलों ने गुरुजी के बताए हुए मार्ग से 12 वर्ष तक कहते कुएं में उल्टा लटक के ऊपर न पैर बांध के सर नीचे न करके 12 वर्ष तपस्या की और 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया था। 50 किलो 12 वर्ष में। अपने आत्मा एक आदमी का आहार पहले तो 1 किलो था डेली का एक समय का, और उस समय 12 वर्ष को 312 को 365 से गुणा करो और उधर से इनके ग्राम बना लो 50 किलो के, कितने बने कै ग्राम डेली का उसको इससे माया है। और जिस कारण से इसलिए आहार कम करता था कि मैं भक्ति में आलस ना बन जा, जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया और अंत में अस्थि पंजर शेष रह गया। कौव्या ने सोचा यो कोई आदमी मर गया फांसी खा के, और वो उसकी आंख निकालने के लिए आगे, तब शेख फरीद ने सोचा भगवान मिला नहीं, अंत शरीर का हो गया, कौवे आंख खा लेंगे और भगवान कैसे देखूंगा। और पूरा मुसलमान धर्म कहता भगवान तो बेचून है, निराकार है या उल्टी आंट है, कहते कहें कुछ और करें कुछ। हम सभी ऐसे कह रहे थे, पवित्र बाइबल में परमात्मा लिखा मनुष्य दृश्य है, मनुष्य जैसा उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। पवित्र कुरान शरीफ में लिखा कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और पवित्र वेद बताते हैं परमात्मा मनुष्य दृश्य है, नर आकार है, वो वहाँ से गति करके आता है सतलोक में, ऊपर ले ऊपर रहता है सतलोक के अंदर निवास करता है। और फिर भी हम सारे रट्टा ला रहे हैं भगवान निराकार निराकार का। और किसी भी सिख ईसाई से पूछ लीजिए, उसे पूछिए कि भगवान कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र सदग्रंथ बताते हैं उसे शरीर है मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। अब यह आर्ट इसके थी पुण्यात्मा वाजिद के, मुसलमान धर्म में जन्म था, फिर भी फक्कड़ फकीरों की आड़ लेकर के साधना शुरू की। अब जब उसने ये देख लिया भगवान मिला नहीं, शरीर अंत होएगा, अब कोई विकल्प नहीं, कौवे आँख खा लेंगे फिर मैं मर जाऊँगा तड़प के, तब उसने कहा कि हे कव्यो, धीरे धीरे बोला। अब बोला तो वो कव्य उठ गए, उन्हें सोचा तो मर गया किता है। ये कहा कि भाई मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो मांस खा लो, पर मेरी आँखें मत छेड़ना, आंखें मत खाना, मुझे भगवान के दर्शन की आशा है। न्यो कह कर फूट कर रो पड़ा। अपुणात्मा बिना प्रेम पावे नहीं चाहे करोड़ समाधि ला। अब भगवान के प्रति उसमें प्यार उमड़ गया कि भगवान मिला नहीं, शरीर रहेगा नहीं, आंखों से आंखें जाती रहेंगी, भगवान आ भी गया तो मैं देखूंगा कैसे। उसी समय परमात्मा ने क्या किया, उसका रस्सा पकड़ के बाहर खींच लिया। कबीर परमेश्वर वहां पहुंच गए अल्लाहू अकबर, और उसको पकड़ के बाहर निकालने लगे रस्से से, जैसे बाल्टी बाहर निकालते हैं पानी की भरी हुई। शेख प्रीत ने सोचा, क्योंकि पहले कोई शरारती रास्ते चलते बालक गवाले पाली भेड़ बकरियां चराने वाले शरारत कर देते थे, उसके रस्से को पकड़कर ऐसे हलाकर छोड़ देते थे, वो कभी कुएं के इधर लगता था जाके, कभी इधर, और अपने हाथ से सिर को करके बचाव कर लेता था, बच्चे भाग जाते थे। उसको मालूम था कि शरारती शरारत करके चले जाएंगे। अब उस दिन सोचा कि ये कोई अच्छा कमबख्त आया, इसने मैं बाहर निकाल लिया, ये भी गड़ेगा। तो वो कहने लगा कि हे भाई मुझे मत छेड़ो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, संतों को दुखी नहीं किया करते। परमात्मा ने धीरे धीरे कती बार निकाल लिया, ऊपर ने पैर नीचे ने लटक रहा, और भगवान ने कहा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। शेख फरीद कहता मैं भगवान के पाने के लिए, भगवान के दीदार के लिए ये साधना तपस्या कर रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूँ वो परमात्मा अल्लाहु अकबर,
वो कहता है कि मजाक मत कर। शेख फरीद कहता मजाक मत कर, तू भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो निराकार है, बेचून है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो निराकार है। परमात्मा बोले, महात्मा ये भगत आप किस लिए ये प्रयत्न कर रहे हो? अब कह रहे थे आप कि मैं अल्लाह के दीदार के लिए, दर्शन के लिए साधना कर रहा हूँ, उधर से तू कह रहा है कि भगवान निराकार है, तुम्हारी थ्योरी कुछ और प्रैक्टिकल कुछ। अरे भले आदमी जब वो निराकार है फिर क्यों डले ढो रहा है, वो देखेगा क्यों करूँ उसने, तू कैसे देखेगा? अब एक देसी भाषा में यह कहावत है हरियाणा में कि गाम का और ज्ञान का चमका ऐसा लग गया करे। अब किसी को गर्मी खेतों में काम करते समय कहा करते हैं तुझे घाम मार गया, यानी गर्मी के कारण तू अस्वस्थ हो गया, उसको घाम मारना कहते हैं। कहते हैं उस एक चमका से में घाम मार जाता है, तो गाम का और ज्ञान का कहते चमका सा है, उसे बुद्धि सेट होनी थी एकदम, सुक्रीव सीधे हो गए सारे। अब वो सोचता है अरे सचमुच, एक तरफ तो हम कह रहे भगवान निराकार, और फिर उसने देखने के लिए डले डो रहे हैं, कठिन तपस्याएं कर रहे हैं। तब उसने सोचा कि यो भगवान तो ना होगा, लेकिन भगवान का बाखबर अवश्य है। नो के नो पैर पकड़ दिए पीछे, लटके लटके, हे महात्मा आपने मेरी आँखें खोल दी, सचमुच हम परमात्मा है कैसा? और परमात्मा कहते मैं कहने लग रहा मैं रहा भगवान, मैं हूँ परमात्मा। और फिर भी ना जचीज के अंतर्यामी थे, उसको बाहर निकाला। परमात्मा बोले भाई दे ही गेला के दुश्मनी है तुम्हारी, इस शरीर को क्यों नष्ट कर रहा है, बहुत अनमोल है, फल आहार कर, प्रथम अंदर संयम राख है, योग युगत सब सतगुरु वाक है, इतना नहीं खाना चाहिए, दड़ी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे जा नींद आ जा, भक्ति हो नहीं, इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि आंत भी सीधी ना हो, अंजल संयम राख है, योग युगत सब सतगुरु भाक है। फिर उसको बताया, परमात्मा को पता था ये तीनों तो मानने को नहीं, मैं भगवान हूँ। फिर उनको बताया कि देखो परमात्मा के घर जाने के लिए आपको भक्ति युक्त होना पड़ेगा, आप वहाँ से भक्ति युक्त थे उस उतने ही चार्ज हो जाओगे तब वापस जा सकोगे, जितना भक्ति धन तुम यहाँ लेकर आए थे। उसके लिए मैं विधि बताऊँगा, आप साधना कीजिए, आपका मोक्ष हो जाएगा। शेख फरीद ने वैसा ही किया, तब उसका कल्याण हुआ। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या कहते हैं, अब दास ये बताना चाहता था आपको कि परमात्मा के पाने के लिए पुण्यात्माओं ने कितने कठिन तपस्याएं की और फिर भी व्यर्थ रहे, और आपको तो थोड़ी सी देर सिर्फ बैठ कर सत्संग सुनना है, और वो भी कितनी सुविधा में, तो कितना सौभाग्य आपका कि जिस ज्ञान को और जिस भगवान को हम खोजे से नहीं पा सकते, आज अपने आप सामने आ रहा है भगवान, अपने आप प्रकट हो रहे हैं, आपका अंधेरा हटा ज्ञान का और आपके सामने भगवान समझो। क्योंकि परमात्मा पाने के लिए हमने भक्ति करनी ही पड़ेगी, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक ले गए थे और वहाँ जाकर देखा सचमुच कबीर इज गॉड, और यहाँ के लोग को देखकर वहाँ के लोग की तुलना में इधर तो झाखड़ ने दिल नहीं करे, इतना गंदा स्थान है ये। तब धर्मदास जी ने कहा था परमात्मा मुझे यहीं रख लो, मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है मोहे, ना घालो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है, मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है, ना घालो महाराज काल की नगरी है, वो तो मत भेजो भगवान काल की नगरी है। अब वहाँ कहता के कहता भगवान मन मत भेजो वापस, वो तो बहुत गंदा लोक है। तो परमात्मा ने कहा था बेटा अगर न्यो लाने हो ना, मैं सारा ले आऊँ एक कब्र में, आप जाओ आपको मंत्र दे दिया या भक्ति करो, समय समय पर मैं तेरे साथ रहूँगा धर्मदास, चिंता मत करना।
और इस भक्ति से ये ऐसा मंत्र दे दिया, एक श्वास उस श्वास के सेवन से आपकी इतनी भक्ति हो जाएगी, गिनती नहीं, हो इतना संग्रह होगा आपका भक्ति धन, और तुम शीघ्र ही भक्ति युक्त होकर के भक्ति की शक्ति से आप यहाँ आ सकोगे। नहीं तो परमात्मा का पाना तो बहुत आसान है, जैसे परमात्मा 120 वर्ष रह गए कबीर जी, और सब ने देखे दर्शन हुए, सब ने पा रहे थे, लेकिन गया कौन वहाँ पर? यहाँ से मन हटेगा ज्ञान से, और भक्ति से आपकी बैटरी चार्ज होगी, आत्मा चार्ज हो जाएगी, और उस भक्ति की शक्ति से जब आत्मा यहाँ से चलेगी, इतनी स्पीड हो जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकेगा, इतनी प्रबल शक्ति से यहाँ से चलेगी वो, और साथ में भगवान परमात्मा आपके साथ होंगे दास के रूप में। अब क्या बताते हैं, परमात्मा को, परमेश्वर को ना समझकर हम अन्य भगवानों की भक्ति, अन्य साधनाएं करके अपना जीवन नष्ट करते रहे, भक्तिहीन हो गए। अब क्या बताते हैं, जिनको भगवान मिले, आदरणीय गरीबदास साहेब जी उनमें से एक, वो पुण्य आत्मा है, महान आत्मा है, जिनको भगवान मिलते हैं, जिनको भगवान मिले थे उन्होंने क्या बताया है परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को। क्या बताते हैं कि ये मन एक काल का एजेंट है, इसको सत भक्ति के लिए प्रेरित करें, ये मानने को तैयार नहीं है, और बाकी इसको कोई भी साधना बता दे जो परमात्मा पाने की ना हो, ये सिर धड़की बाजी लगा देता है। जैसे कोई एक सोमवार का व्रत रखता है और उसको कोई कह दे भाई शुक्रवार का और शुरू कर दे, बड़ा मोक्ष हो जाएगा, तो शुक्रवार का और शुरू कर देगा। फिर उसको कोई कहे कि जैसे वैष्णो देवी जाने से कल्याण हो जाता है, तो साला सर जाता था तो वैष्णो देवी भी पक्का जाओगा। फिर उसको कोई बता दे कि वहाँ एक जाटी है, उसका धागा बांध दे तो उस तक कल्याण हो जाए, तो वहाँ भी पहुँच जाएगा। और कोई ये बता दे कि ये साधनाएँ गलत हैं, इनको त्याग दे, ये भक्ति करो जो वेदों और गीता में प्रमाणित है, मन कति आकड़ जाएगा, कति नहीं सुने और मानना नहीं, इनके ना नो किसने देखा है। तो परमात्मा क्या बताते हैं, ये मन, इस मन के साथ आत्मा को जोड़ दिया, हम काल के अधीन हो गए, और इस काल ने हमारे ऊपर एक एजेंट छोड़ दिया आत्मा के ऊपर मन, और ये सारे उल्टे काम करावे, सबकी यहाँ इच्छाएं रखता है ताकि ये आत्मा यहाँ फंसी रहे, इसने कोई और दिखाई ना दे। जब इस आत्मा को ज्ञान होता है तो ये क्या बताते हैं, मैं तो दे दी है बालम बैरे डूम, तो दे दी है बालम बैरे डूम, तो दे दी। मैं तो दे दी है बालम बैरे नूम, तो दे दी है बालम बैरे नूम, तो दे दी। संसारी दी गल्ला चीने ना बुझे शब्द जो गैरे नू, संसारी दी गल्लां चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नूम, तो दे दी है बालम बेरे नूम, तो दे दी है बालम बेरे नूम, तो दे दी। श्वेत छतर सिर मुकट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकट विराजे देखत ना उस चेहरे नू, ये ऊंची थलिया खेती बोवे भूल रहे निज डेरे नू, ऊंची थलिया
खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू मैं तो दे दी है बाल में बैरे ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। अब इसमें क्या बताना चाहा कि आत्मा रो रही है भगवान से कि हे परमात्मा मेरा संयोग इस पत्थर के साथ कर दिया इस मन बैरे के साथ। परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं और संसारी व्यक्ति कुछ भी बता दे उससे ने फाइनल मान लेगा। वैसे तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे साथ भक्तों के साथ बीती हैं लेकिन कुछ एक ऐसी विशेष होती है। एक भक्त बहुत दुखी रहता था, रमेश जैन, उसका हमने इस पुस्तक में भी लिखवा रखा है, ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है। उसके परिवार में एक कहर टूटा हुआ था, उसके दो पुत्र जुड़वा थे, दोनों बीमार रहते थे, एक हॉस्पिटल में तो एक घर पर, वो आता था दूसरा हॉस्पिटल में। उसकी पत्नी को दमे की बीमारी थी, एक लड़की को दौरे पड़ते थे। उसको पता लगा, किसी भक्त ने बताया कि आप दीक्षा ले लो स्वस्थ हो जाओगे। उन्होंने परमात्मा ने दया करी, उन्होंने उपदेश ले लिया पूरे परिवार ने और सब ठीक हो गया। चार पांच महीने बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं रही। फिर क्या हुआ, ये गुग्गा की पूजा का दिन आ गया, गुग्गा की वो नवमी पूजा करें। उधर से उसकी कोई पड़ोसन, उसकी सहेली आ गई, उसने कहा, उसकी लड़की का नाम था, उस रमेश जैन की पत्नी का नाम है कमलेश, वह बोली है कमलेश तने गुग्गा की पूजा ना करी आज। ने बोली ना बेबिया, हमने गुरु बना लिया और गुरु जी ने मना कर रखी है, हम पूजा ना करें। वह कहने लगी है ने कह जा करें गुरुआ की सारी ना मान्या करें, हम भी ले रहे हरा दास स्वामी तो नाम है, हम तो सारे काम कराया करें। और उसने बता दिया कि एक ना ऐसे ऐसे उसने ये पूजा ना करी थी देवताओं की, उसका एक का बेटा था वो मर गया, अब रो टक्कर मार के, अब वो आखिर में डरा के छोड़ी और उसने वो जंतर मंत्र कर दिया गुग्गा वाला, वह पूज दिया गुग्गा, गुग्गा पूज दिया था। अगले दिन वो बच्चे दोनों हॉस्पिटल में, छोरी के दौरे पड़े, उसने सांस नहीं आवे, दमा हो गया, नो कानो एजिटी स्थिति होगी। अब वह डरती बतावे को ना, मैंने गलती की कर दी कि भगत छो गुस्सा होगा भाई इतने नाश कर दिया सारी बड़ी बनाई कहानी का। वो पूछा क्या बात होगी, पता ना हम तो उसे फेर हो गए। वो भगत आया उस भगत के पास जिसने संपर्क जोड़ा था दास से भगवान से, जिसका परमात्मा का नाम दिया था दास ने उसको, उस भगत ने के पास गया, वो उसके पड़ोस में रहता था। उसने कहा भाई महाराज फिर उसा हाल हो गया। वो रमेश बोला, भगत बोला भाई ऐसे तो नहीं हो सकता, उसने हमारे से संपर्क किया कि बताऊंगा तुझे, उसने हमसे बात की मिला, उस मैंने बताया भाई उसने कोई गलती करी होगी अवश्य। वो गया उनके घर पे, वहाँ कोई नियम भंग किया है उसने। परमात्मा कहते हैं जब लगन सा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। परमात्मा की मर्यादा वचन को ऐसा समझ लेना पुण्यात्मा, जैसे लक्ष्मण रेखा थी, सीता ने जरा सी लागी न सोची थी कि बिगड़ा है साधु खड़ा है ला दे आऊँ आटा ईब दे देती हूँ अभी आ जाती हूँ आ जावे है वह रेखा पार करें पाछे, तो
तो पुण्यात्माओं वो कोई पागल नहीं थे जो कह के गए थे सीता इस दरबार मत जाइए। और हम ऐसे ही ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना जो मर्यादा आपको दास बताता है, इसको जरा सा भी आपने भंग कर दिया तो काल तुरंत बुद्धि पकड़ लेगा आपकी। अब उस भक्त और रमेश को साथ लेकर के घर चला गया, उसके घर पे चल पूछ देखते हैं क्या हाल हो गया कैसे हुआ। अब वो कुदरती घूमता घूमता पिछली साइड में एक बरंडा था उनका, एक बरंडा सामने था, एक बैक साइड में, उसके साथ में एक बाथरूम सा था, वो बाथरूम के लिए चला गया। वहाँ देखा पछले बरंडे में एक जैसे ढक्कन हुआ कर इसका मटके का, उसके ऊपर वो कापण बोला है, वो ढक्कन पर कुछ जंतर मंत्र करा के धूप दाप गूगल गागल कुछ दाने डाल रखे वह लटोटर सा जैसे करा करते हैं। उसने आके पूछा कि भाई यू क्या कर रखा तुम्हारे घर में। परमेश ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये क्या कर रखा है। ने बोली गुग्गा पूजी थी, मैंने गुग्गा की धोख मारी थी। वो भगत बोला ये गुग्गा फिर आ गया तुम्हारे, ये मुश्किल तो काटा था ये फिर बुला लिया गुग्गा। तो बड़ा गुस्सा है उसका पति, तने तो बात बिगाड़ दी अब क्या होगा। उससे पूछा बे तने ऐसा क्यों किया। वह बोली एक पड़ोसन आ गई मत नाटी बतेरी, फिर मैं डर गई। ने बोली उसका एक का पुत्र था और वो मर गया, उसने ये पूजा ना करी थी और इसलिए डरती ने मैंने सोचा ले चल गुग्गा की बीमार न दो के। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब इस समाधान क्या हो, मेरे से फिर संपर्क साधा कि मैं अभी दोबारा नाम ले रग गलती नहीं करे तो नाम दूंगा ना कति नहीं दूं। तो उनको फिर पक्का करना था मालिक ने ये झटका दे के दोबारा उपदेश ले लिया उन सब परिवार ने। ये सन 1995 की बात है, आज 16 वर्ष हो गए उनके घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ आते हैं पाठ करवाते हैं और सत्संग सुनते हैं, सब बच्चे स्वस्थ हैं। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू। अब जो मर गए उनकी मंडी बना रखी गामा में, बाबा जी रहा करता तपस्या करा करता है और उस वह समहद पूजा करें हम रब ले आदमियों। कुछ तो दिमाग तो सोचो, जैसे कोई वैद्य था और वो नब्ज देख के दवाई बता देता था रोगी स्वस्थ हो जाता था, बहुत अच्छी बात है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी समाधि बना दे जहाँ उसको अंतिम संस्कार करते हैं, या उसके ऊपर एक यादगार बना कर उसकी मूर्ति स्थापित कर दे, और फिर कोई उसने पूजन जावे वैद्य ने, क्या वो रोग काट देगा, क्या वो दवाई बता देगा, नब्ज देख लेगा आपकी, नहीं देख सकता। तो जैसा वो वैद्य था ऐसा ही वैद्य वर्तमान का खोजना पड़ेगा जो जाते नब्ज देख कर दवाई बतावे। तो परमात्मा यही कहा करते तुम इन मुर्दों की पूजा करते हो, तुम मुझे जिंदे न पूजो, मैं सारी बात बताऊँ विधि बताऊँ तुम्हारी और मोक्ष करूँ। फिर क्या बताते हैं, श्वेत छत्र सिर मुकट विराजे देखत ना उस चेहरे नु। सतलोक के अंदर परमात्मा एक बहुत बड़े विशाल गुम्बज के अंदर विराजमान हैं, उसके बीच में बैठे हैं तकत पर और सिर पर सफेद सुंदर मुकट है मालिक का। कहते श्वेत छत्र सिर, ऊपर छत्र है जैसे ये आप देख रहे हो, ये तो एक बनावटी है, वो ऑटोमेटिक परमात्मा का बहुत बड़ा विशाल छत्र है सफेद। श्वेत छत्र सिर मुकट विराजे देखत ना उस चेहरे नू, कहते उस भगवान के दर्शन नहीं करते। और ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए नज डेरे नू। अब जैसे हम आन उपासना करते हैं वो तो ऐसी साधना है जैसे किसान ऊंची थलियों पर ऊंचे टीलों पर बीज बोकर खेती बो रखी हो उसने, और कभी वर्षा हो जाए तो दो दाने हो सकते हैं ना तो कुछ नहीं हो उसमें। और डहर वो होती है समतल जमीन उपजाऊ, उसको डहर बोलते हैं। झील होती है वो, झील का मतलब वह पानी स्टैंड नहीं खड़ा नहीं रहता, यानी ऊपर का वर्षा हुआ पानी भी उसमें आकर के सिंचाई का काम करता था, पहले पुराने समय की वाणी है ये। और उस डहर क्षेत्र में एक एकड़ में
50 मन गेहूं हो और ऊंची थलियां पैते दो दड़ी यानी 10 किलो भी ना हो मुश्किल थे, क्योंकि वो स्थान खेती करने का कोन्या। तो हम जो आन उपासना करते थे उसको कहा है परमात्मा ने, तुम ऊंची थलियां खेती बोरे और भूल गए निज डेरे नु, अपने उस सर्व सुखदायी परमात्मा कबीर देव को तुम भूल चुके हो और इन आन उपासना रूपी थलियों पर खेती बोए बैठे हो, इससे तुम निर्धन होते जा रहे हो। और फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नूं, ओए होए गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नूं, ये संसार समझदा नहीं और कहंदा श्याम दोपहरे नूं। यहाँ पर इतना कष्ट है प्राणी को पुनात्माओ, हम इसके आदि बन गए इस दुख के। और जब आपको सुख का जरा सा भी आभास हो जाएगा फिर देखना, परमात्मा कहते हैं सतलोक की तुलना में तुम ऐसे पड़े हो, इस काल ने आपको भांग प्या रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊँ या कुआ भांग पड़ी। तो जैसे किसी ने शराब पी रखी हो या भांग पी रखी हो, नशा कर रखा हो, और जून के महीने में हरियाणा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश में और बाहर पड़ा हो सड़क पे रेत में, और उसको कोई ये कहे कि भाई देख पसीनम पसीना हो रहा और तेरी के बुरे हालत हुई पड़ी है, कितना कष्ट है, ऊपर से धूप है, हैं तू प्यासा मर रहा है, चल तुझे उठा कर छाया में ले चलता हूँ। वो शराबी क्या कहते हैं, जोड़ दे मौजूरी है। अब हम आज इस स्थिति में है, परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नूं, वो कहता ठंड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गर्मी नहीं लग रही मुझे। अब जैसे रिश्तेदार कोर्ट में मिलते हैं कचहड़िया में और एक दूसरे एंड शेख करते हैं, हाथ मिलाते हैं और क्या कहते हैं, क्या हाल है, अग मौज हो रही है, मौज कर कोर्ट में कौन सा काम, दोनों दुखी जा रहे नूं के मौज हो रही है। हम सिर्फ मौज कहना सीख रखा है, मौज का बेरा को ना। मेडिकल में जाते हैं, कोई बच्चा बीमार हो गया हॉस्पिटल में रिश्तेदार मिलने जाते हैं और पहले तो हाथ मिलाते हैं और ठीक हो, ठीक ठाक मौज हो रही है, और बच्चे का क्या हाल है, मरण हो रहा है, फिर मौज टट्टू होगी बता। हम इसे कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नूं, आग लगी पड़ी है नूं मौज हो रही है, इस गंदे लोक में मौज का भी कोई स्थान है। और कहते हैं परमात्मा गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नूं, ये समय आते छूट गया ना, ये भगवान का ज्ञान और ये भक्ति, और चले गए यहाँ से, बीच में भक्ति नहीं करी, कहते हैं इस समय ने रोया करोगे, हाथ नहीं आओगा फिर मनुष्य जीवन तुम्हारे। और फिर कुत्ते बन के गलियां में आपने देखे होंगे रात के समय सर्दी से पीड़ित होकर के, और कुत्ते रात ने फिर कैसे रोते हैं, कई बार देखा हो आपको, क्योंकि अब तो हम मनुष्य हैं हम, और मनुष्य भी दूसरे टाइप के हो गए, भक्तिहीन हो गए हम, हमने किसी के प्रति रहम नहीं आता। अब इस ज्ञान की रोशनी से आपकी आत्मा इतनी निर्मल हो जाएगी, कभी ऐसा कोई दुखी प्राणी दिखेगा आपकी आत्मा रोएगी कि सचमुच यहाँ इतना कष्ट है प्राणी को, क्योंकि आपका नशा उतर जाएगा उस ज्ञान से, एंटीबायोटिक खाने से। तो कुत्ते ऊपर न मुँह करके करते ओ ई वो करें जाइब क्या है अब तो कहते परमात्मा गरीब दास ये वक्त जात है, एक बार हाथ से ये छूट गया शरीर और ये भक्ति बनी नहीं, तो रोग इस पैरे नू इस समय को याद करके रोया करोगे। फिर परमात्मा की पहचान बताई है, मैं तो दे दी है बाल मयाने नू, मैं तो दे दी है बाल मयाने नू, मैं तो दे दी याने नू, मैं तो दे दी है बाल मयाने नू, गीता और भागवत पढ़े ना बुझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े ना बुझे शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी
तू क्या करे बरसाने नू। अब क्या बताते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़े और अरे राम हरे कृष्ण श्री राधे 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 श्याम मिला दे ओम नमः शिवाय, ये गीता में कई मंत्र हैं। कहते हैं गीता और भागवत पढ़े न बुझे शब्द ठिकाने नू, सात दिन की भागवत की कथा सुने जा कह कहेगा पता नहीं मोक्ष मार्ग क्या है, क्या उस कृष्ण जी की उन लीलाओं को पढ़ लेने से मोक्ष हो जाएगा। गीता के अंदर जो मंत्र लिखा है उसका एक भी जाप नहीं करते, अन्य तुम जाप करते हो पढ़ते हो गीता को। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, शब्द ठिकाने नू यानी उस निज मंत्र की तरफ को ध्यान नहीं देता कि कौन से मंत्र से मोक्ष होगा। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, कितनी गहरी बात कही है आदरणीय गरीबदास साहेब जी जो परमात्मा से परिचित हुए थे और भगवान उनको सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था। आदरणीय गरीबदास जी को अब वो बता रहे हैं भगवान का आंखों देखा हाल। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा ली जे जो मेटे जम तलबाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू, याणा माने अनजान ने। अब क्या बताते हैं, जब फुरमान धनी का आवे, जब आपका समय पूरा हो गया आपका जीवन समाप्त हो गया, फिर आएगा आदेश ऊपर से कि उठाओ इसको यहाँ से ले चलो निकाल लो शरीर से। कहते फिर कौन रोके घर जाने नू, और फिर क्या बताते हैं, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मिटे जम तल बने नू, कि उस सतगुरु की शरण में आ जाओ जो उस काल के दूतों को कह दे भाग जा तू यहाँ से, हमने इसकी आयु को एक्सटेंड कर दिया। जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। काल डरे करतार से जय 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 जगदी से, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगर्द डारे सी से। परमात्मा क्या बताते हैं, काल जो पीसे पीसना ये जोरा है पनिहारे, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा के सामर्थ्य से परिचित हुए तो उन्होंने कहा है कि ये काल तपिस पीसना, ये किस ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म कबीर परमात्मा का नौकर है समझो, और जोरा है पनिहार या मौत, कहते हैं ये तो परमात्मा का पानी भरती है, नौकरानी है उसकी, उसके जैसे उसके आदेश बिना ये कहते कदम नहीं उठा सकती। काल डरे करतार से, करतार कौन, कबीर इज गॉड, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। काल डरे करतार से ये किस ब्रह्मांड का स्वामी, और जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोरा कहते मौत को, जोरा जोड़ी झाड़ता परमात्मा की जूती साफ करता है करती है या मौत, और फिर उस धूल को माथे के लगाती है यानी इतने समर्थ हमारे भगवान। गरीबदास साहब जी कहते हैं सतगुरु शरणा आके धर्मराज डर कैसा, और की तो बात छोड़ो यहाँ का न्यायाधीश भी कांपता भगवान के नाम से। एक बार कबीर परमात्मा गरीबदास जी को जब ऊपर लेकर गए थे सतलोक में, धर्मराज के दरबार में उस न्यायाधीश के दरबार में पहुँच गए, और वहाँ जाकर के परमात्मा की देख के शक्ति को धर्मराज गद्दी छोड़ के खड़ा हो गया अपनी सीट को छोड़ के, और कहा भगवान आके बैठो विराजो। जब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी खड़े खड़े डांट लगाते हैं जैसे ऊंच अधिकारी नीचे छोटे अधिकारी को डांटता है और आदेश सुनाता है, ऐसे परमात्मा डांट लगा रहे हैं। कहते हैं धर्मराज दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अब धर्मराज ने बोला है भगवान मेरी मजबूरी है, मेरे जैसे आपकी शरण में आने से पहले इसने बहुत से पाप किए होते हैं,
उनका भोग तो मैंने देना पड़ता है प्रभु। तो परमात्मा क्या कहते हैं, कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेस। कहते हैं तेरे इस यहाँ के जो कर्म है ये सारे मैं कैंसिल कर दूंगा। कहते हैं परमात्मा बताते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिनगारी अग्नि की पड़े पुराने घास, कहते हैं ऐसे नाश कर दूंगा इन पापों को मैं। तो उसी प्रकार गरीबदास जी बता रहे सामर्थ्य अपने परमात्मा की समर्थता के, काल ड्रह करतार से फिर इस काल के पास गए थे, इसने भी नीची गर्दन कर ली और इसके सर पे पैर रख के परमात्मा ऊपर ले गए थे गरीबदास जी को। इसने उस ग्यारहवें द्वार को बंद कर रखा है, दसवां द्वार आपने सुना था, इस सब घाटा जुड़ रहा था, इनकम्प्लीट नॉलेज था, सारा काल के जाल का ही सारा कुछ खेल था, ज्ञान था। अब ग्यारहवां द्वार जो है इस परब्रह्म के लोक में अक्षर पुरुष के लोक सात संग ब्रह्मंडों में प्रवेश करता है और फिर परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के सात संग ब्रह्मंडों को पार करके बारहवां द्वार आता है, उसको पार करके सतलोक जाया जाता है। तो वहाँ ये बैठा चौकस के कोई निकल ना जाए यहाँ से, इसने रोक रखे हमारे को, वहाँ केवल कबीर परमात्मा और उसका सत साधक ही जा सकता है। और जब उस मंत्र का सतनाम का वहाँ जाप होता है और सारनाम साथ होता है तो काल अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। जैसे परमात्मा कहते हैं, जैसे फणपति मंत्र सुन रख फण सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र तयो काल जो है मुँह मोड़। जैसे फणपति यानी सर्प को गारुड़ लोग एक मंत्र बोल देते हैं, मंत्र बोलते ही वो अपने फन को ऐसे उठा रखा हो तो ऐसे कर लेता है नीचे को और भागने की चेष्टा करता है, उस मंत्र में इतनी शक्ति होती है। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे फणपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र तयु काल लवे मुँह मोड़। इस काल का ऐसे सीना झुक सिर झुक जाएगा और इसके ऊपर से हम जाएंगे। तो गरीबदास जी कहते हैं, काल ड्रह करतार से कबीर परमात्मा उन्होंने बता दिया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। काल ड्रह करतार से जय 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 जगदीश, अरे जोरा जोड़ी झाड़ता पगर डारे शीश, और काल ज पीसे पीसना अरे मौत है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। तो परमात्मा कहते हैं, अब इसमें प्रश्न आया है कि जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, जा सतगुरु का सरना ले ले जो मेटे जम तलबाणे नू। तलबाणा कहते हैं सम्मन के, जम का सम्मन आ जाए, जब उसने कह ले जाओ कैंसिल कर दिया हमने, वापस जाओ ये नहीं जाएगा हमारा भक्त। एक भक्त बता रहा था कि जी मैंने आपका ज्ञान सुन रखा था भगवान का, कि अभी कबीर परमात्मा के साधक को यम के दूत नहीं ले जाते, और ये सच्चाई है, गारंटीड बात है, यम के दूत आपके निकट नहीं आ सकते। वो कह रहा था सपने में मेरे पास तीन चार वो दो आए, दो थे या चार जैसे बता रहा था, और उन्होंने मुझे पकड़ लिया बाजू से और वो मुझे निकाल ले गए शरीर तय, शरीर मेरा पड़ा दिख है और मैं ऊपर न जाऊं। मैं उनसे पूछ रहा हूं, भाई कहाँ ले जा रहे हो मुझे बता तो दो। कहने लगे आजा तुझे बताएंगे, धर्मराज के दरबार में पता चलेगा और वहाँ तेरा लेखा जोखा होगा और फिर बताऊंगे कहाँ ले जाते हैं तुम्हें। वो कहने लगा, फिर मेरा याद आई कि अभी तुम कौन हो, यम के दूत हो तुम, अकोर तुम न के दिखे हम। उसने सोचा भाई यम के दूत तो हमें नहीं ले जा सकते क्योंकि हम तो भगवान के भक्त हैं कबीर परमेश्वर के। तो इतना बात सुनकर मैं उनके साथ गुट्टम गुट्टा देख, वो मेरे मारे में उनका मारूं घनी आन होगी, इतने घसीटते तो मुझे ले गए निकट धर्मराज के दरबार के। और वो न्यों कह भाई तुम नहीं ले जा सकते, हम तो भगवान कबीर साहब के भक्त हैं। तो उनमें से एक भेजा उनक, भाई तुम पूछता कदे हम पट्टा खाम खां, ये इतना कॉन्फिडेंशली कह रहा है तू पता कर क्या धर्मराज ते। वो गया वहाँ पर, उसने कहा महाराज के ऐसे ऐसे एक व्यक्ति जो आपने भेजे थे हम लेने के लिए,
और वो तेनों कह मैं कबीर साहब का भगत हूँ और तुम मुझे ले जा नहीं सकते, तुम्हें अलाउड नहीं है ले जाना, कैसे ले जा रहे हो। धर्मराज ने फिर देखा अपना बही खाता, ने बोला रहा छोड़ आओ, इसने मरवाओगे मुन्ने भी तुम। वो वापस आए, वो कहने लगा रहा छोड़ दो भाई, इसको नहीं ले जाना, आदेश है धर्मराज का जल्दी छोड़ो। उन्होंने मैं छोड़ दिया, ऊपर तो पटक दिया बदमाशा ने होगा नो, और मैनू उल्ट पुलट होता हुआ मरिया भाई, एकदम शरीर में प्रवेश हुआ और एकदम न्यू होया, सारा पसीना आ रहा, मुँह सूख रहा, और हाथ ठाऊँ तो हाथ उठे नहीं, पैर हलाऊँ तो पैर हल्ले नहीं। कोई 5 मिनट के बाद मेरी गतिविधि शरीर की ठीक हुई, फिर मेरा याद आई रास्ते कट गई थी टिकट भाई, आज तो सचमुच मर गया था मैं तो, जब शरण में ना होता फिर वो बतावे। और पुण्यात्माओं फिर उसका दृढ़ विश्वास हुआ है कि भाई सचमुच जो शब्द आज तक हमने मालिक की महिमा सुनी वह सारी साची है। तो यहाँ क्या कहते हैं, जब फरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, कहते कौन रोके उसमें, जब धनी का फरमान आओगा यहाँ के मालिक का, तो क्या बताते हैं, जा सतगुरु का शरणा ले ले जो मिटे जम तल बने नू। इस काल के आदेश को कैंसिल कर दे, जम जोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर हैं, अदली माने न्याकारी, वास्तविक न्यायाधीश कबीर हैं और कुल के सतगुरु एक। बोलो सतगुरु देव जय हो। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे परम पिता हैं, ये सारी सृष्टि के रचने वाले हैं, ये वही परमात्मा हैं जिनका वेदों और गीता में एक विशेष प्रकरण है कि परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म जो शक्ति है वही पाप नाशक है, वही हमारा जनक है, वही हमारे काल के बंधनों का नाश कर सकता है, उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। उन आत्माओं, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ज्ञान दिया है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका यहाँ ठोर ठिकाना नहीं है। और जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर के मिले, उनको समझाया, उन्होंने परमात्मा को पहचाना, फिर उन महापुरुषों ने भी परमात्मा द्वारा प्राप्त उस ज्ञान का ढोल पीटा कि कबीर इज गॉड, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया का सीमा है कबीर हुआ। ये दानक रूप में, जो जुलाहा रूप में परमात्मा बनारस में भारतवर्ष की पावन धरती काशी शहर के अंदर 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो अजन्मा है, किसी माँ से जन्म नहीं लेते हैं। उस परमेश्वर ने हम सबकी रचना की है और जिन महापुरुषों को वो मिले उन्होंने उस परमेश्वर की महिमा बताई है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, और मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ने आके हमें चेताया है कि तुम इस मनुष्य जीवन को इस काल प्रेरणा से केवल यहाँ इस संसारिक भौतिक सुखों को संग्रह करने पर ही व्यर्थ कर जाते हो, और जिस संपत्ति को सारा जीवन जोड़ते हो, इकट्ठा करते हो, कोठियाँ बनाते हो, बैंक बैलेंस बनाते हो,
ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ इस काल ने धोखा कर रखा है। पहले तो हमें यही समझ में नहीं आई कि ये काल कौन है, फिर परमात्मा ने जो सृष्टि रचना सुनाई तो वो हमारी बुद्धि में प्रवेश नहीं हुई, वो हमारे गले नहीं उतरी, क्योंकि हमने वो लोक वेद सुन रखा था। तो अभी तक ये समस्या हमारे सामने रही कि हम परमात्मा को परमात्मा स्वीकार नहीं किया, और जो ईश नहीं थे, जो भगवान नहीं थे, हमने उनको भगवान मान लिया। आप जी ने श्री शिव पुराण, संस्कृत से जो शिव पुराण है, और वेंकटेश्वर प्रेस से जो प्रकाशित और छपी है, उसमें आपने देखा कि ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो, तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया। तो कहता मैं ही ईश्वर हूँ, ये सब मेरा है। यहाँ परमात्मा कहते हैं, स्वयं आकर के बताया है, और जिन महापुरुषों को वो मिले हैं उन्होंने उस परमात्मा की गवाही दी है। परमात्मा कहते हैं, मुल्ला माया मग में बैठी, अनसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई, एक न करता दो ना करता नो ठहराए वाई, और दसवां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई।